हर जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है जनता की सेवा करना, और उसका प्रथम धर्म है जनता की सेवा करना। और जनता की सेवा करते करते जो है तमाम ऐसे मामले आते हैं, कभी अपराधियों के बीच सामना करना पड़ता है, कभी अपराधी छवि के केसों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में ऐसा ही मेरा एक साल में दो ऐसे केस आए हमारे साथ जो है, एक तो पहला जेल से धमकी आई जो है, बाद में जाँच उच बैठी तो उसे जो है गोरखपुर कारागार से उठा के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिर चार महीने बाद मुझे धमकी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, जान से मारने की धमकी। फिर मैंने संज्ञान में लिया, मैंने सीधे जो है डीजीपी से मुलाकात किया, डीजीपी साहब ने संज्ञान में लेते हुए मेरी सुरक्षा बढ़ाई भी, मगर आज अचानक जो है तत्काल रूप से मेरी सुरक्षा कभी बढ़ा दी जा रही है, कभी घटा दी जा रही है, कभी हटा दी जा रही है। अभी जब हटाई गई तो मैंने तुरंत संज्ञान में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के सामने मैंने रखी, उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, उन्होंने तुरंत आला अधिकारियों को फ़ोन किया तो मेरी वापस भी आई, ऐसा नहीं है। मगर फिर छः दिन बाद वो वापस हटा ली जाती है मेरी सुरक्षा जो है। तो ये प्रशासन की जो लापरवाही है कि कभी सुरक्षा देना, कभी हटाना, कभी, क्योंकि देखिए अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि मैं हमारे समाज का इतिहास है, दर्जनों नेता हमारे दिग्गज नेता खत्म हुए, चाहे जमुना निषाद हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे रघुवल दयाल वर्मा हो, चाहे जनीराम वर्मा हो, चाहे जयपाल कश्यप हो, ये सारे बड़े दिग्गज नेताओं को जो है समाज सेवा करते करते इन्हों राजनीति के तहत जो है इनकी हत्या हो गई जो है। अभी हाल ही में देखिए बिहार की ही घटना देखिए, ये वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जी के पिताजी जीतन मांझी, जो वरिष्ठ समाज सेवी थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मतलब ये है कि जो भी राजनीति में मछुआ समझा कर नेता उभरता हुआ नज़र आता है, उसके परिवार पर, उसके ऊपर तमाम तरीके के जो है साजिश हत्या की रची जाती है। और जिस हिसाब से सुरक्षा हटाई गई, जाहिर सी बात है जैसे हमारी दर्जनों नेता खत्म हो गए, वैसे हमारी जान को भी खतरा है। जाहिर सी बात है जिसकी सुरक्षा कमी हट जाएंगे तो खतरा तो महसूस रहेगा।